Now in this lecture, we study about the Raoult's law for liquid in liquid solution. We have already discussed about the solid in liquid solution. सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमने जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की पढ़ी थी. अब उसमें सॉल्यूट जो था वो हमारा सॉलिड था, मीन नॉन वोलेटाइल था. लेकिन अब हम स्टडी कर रहे हैं जो सेकंड टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो इसको एक राउस नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया. एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है वो राउस ने हमें बताए, इसलिए हम इसको नेम देंगे राउस लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. आपके पास जो है, हम दोनों ही कंपोनेंट जो है वो लिक्विड ले रहे हैं, यानी कि हमारे जो दोनों ही कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है, दोनों के ही वेपर बन सकते हैं. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, हमने मिक्स किया वाटर. वाटर के अंदर हमने जैसे C2H5OH को मिक्स कर दिया, तो दोनों ही लिक्विड है तो दोनों के ही वेपर पॉसिबल. इसी तरह से हमने ले लिया बेंजीन, बेंजीन प्लस टोलविन. तो बेंजीन और टोलविन दोनों ही लिक्विड है तो दोनों के ही वेपर पॉसिबल है. तो और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो राउल्स लॉ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन. ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इनको हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करता है तो राउल्स ने आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी की है, यानी कि अब हम जिन सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं. तो जैसे कि हम सपोज करो हमने कोई दो लिक्विड लिए ए और बी. एक लिक्विड लिया हमने ए और बी. Suppose करो दिस कंटेनर कंटेन ओनली प्योर ए, प्योर ए लिक्विड, प्योर ए लिक्विड. एंड दिस इज इट्स लिक्विड फॉर्म एंड दिस इज इट्स वेपर फॉर्म. ये जो यहाँ पर सिर्फ प्योर ए लिक्विड ले रखा है हमने, ये इसकी लिक्विड फॉर्म है और ये इसके वेपर फॉर्म है. तो यहाँ जो इसका वेपर प्रेशर होगा इसको हम कहेंगे पी नॉट ए. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज पी नॉट ए. एंड नाउ वी टेक ए नेक्स्ट कंटेनर. दिस कंटेनर कंटेन ए अनदर लिक्विड एंड दिस लिक्विड इज नेम्ड एज बी. दिस इज द लिक्विड फॉर्म एंड दिस इज द वेपर फॉर्म ऑफ बी लिक्विड. दिस कंटेनर कंटेन ओनली प्योर बी, प्योर बी लिक्विड. एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट बी. जो हमने दो अलग अलग कंटेनर ले रखे हैं और उसमें प्योर ए और प्योर बी दोनों लिक्विड डाल रखे हैं. प्योर ए का जो वेपर प्रेशर उसको हमने पी नोट ए से रिप्रेजेंट किया और बी का जो वेपर प्रेशर वो पी नोट बी से. सपोज करो अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके हमने बना दिया सॉल्यूशन. अब इन दोनों को हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया. नाउ दिस इज दिस कंटेनर कंटेन्स सॉल्यूशन एंड दिस इज द लिक्विड सॉल्यूशन सरफेस. हमारे पास ए और बी किसी को भी आप मान सकते हो. यहाँ पर सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों के ही पार्टिकल हैं और दोनों ही क्या होंगे, बफर में कन्वर्ट होंगे. आपस में दोनों ही कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल हैं. ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास वेपर फॉर्म है सॉल्यूशन की. अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वापस ए और बी दोनों के ही बने हैं तो यहाँ पर ए के जो ए लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम नाम देंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इज पी ए. वेपर प्रेशर ऑफ ए इज पी ए, मतलब ए कंपोनेंट के वापस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए और उसको हमने रिप्रेजेंट किया पी ए. इसी को हम पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर. अगर हमारे पास वापस में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के वापस बने हुए हो तो किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है. पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर, फ्रॉम द टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर में से जो ये जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, इसको तो हम पी टोटल भी कहेंगे, पी टोटल. द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पी टोटल, टोटल प्रेशर है. अब इस टोटल प्रेशर में से ए कंपोनेंट के वापस भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, रिप्रेजेंट किया पी ए. पी ए और पी नोट ए में डिफरेंस पता चला, पी नोट ए तो क्या है प्योर ए का वेपर प्रेशर और पी ए क्या है टोटल
वेपर प्रेशर में से ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी ए पार्शियल प्रेशर. इन दिस सेम वे द वेपर प्रेशर ऑफ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी बी, इट इज द पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है. एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट फाइंड आउट किया गया कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट फाइंड आउट किया गया कि जो हमारे पास पी ए होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए से और पी बी ऑल्सो लेस देन पी नॉट बी. एक्सपेरिमेंटली हम इसको छोटी के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस मिक्सचर के अंदर टोटल प्रेशर में से किसी भी एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाइंड दैट द पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ऑल्सो लेस देन प्रेशर ऑफ बी. प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसके कंपेयर में टोटल वेपर प्रेशर में से एक कंपोनेंट का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो हमेशा कम आएगा. क्या इसका रीजन क्या है व्हाई पार्शियल प्रेशर इज लेस देन प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, इसका क्या रीजन है? अब यहाँ पर देखो आप, जैसे ये हमारे पास प्योर ए है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है. तो जब हमारे पास प्योर ए था तो सरफेस एरिया जो सरफेस था वो पूरा सरफेस के ऊपर सिर्फ ए कंपोनेंट के ही हमारे पास ए जो लिक्विड था उसी के पार्टिकल थे तो उनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिला हुआ था तो ज़्यादा फास्टली वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे इसलिए पी नोट ए ज़्यादा आ रहा था. लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है कि सम सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द बी कंपोनेंट ऑल्सो, सो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए आर ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया सो लेस नंबर ऑफ ए पार्टिकल आर कन्वर्ट इन टू वेपर्स एंड वाइस वर्सा टेक प्लेस विद द बी. सो यू कैन से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. ड्यू टू सरफेस ऑक्यूपाई बाय ड्यू टू डिक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज सरफेस बाय अदर लिक्विड कंपोनेंट. जो दूसरे लिक्विड कंपोनेंट है उसके पार्टिकल्स ने सरफेस एरिया को क्या कर दिया उसकी वजह से सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो गया. तो ये कारण है हमारे पास. अब जो क्या है हम ये तो मेजर कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का प्योर कंपोनेंट का प्रेशर तो हम मेजर कर सकते हैं. मैनोमीटर की हेल्प से हम मेजर कर लेंगे इसको और मैनोमीटर लगाएंगे और यहाँ से मेजर कर लेंगे. लेकिन अब हमारे पास ये तो हम टोटल प्रेशर मेजर करेंगे ना. यहाँ पर अगर आप मैनोमीटर ट्यूब लगाओगे तो उसकी हेल्प से तो टोटल प्रेशर मेजर होगा. अब टोटल प्रेशर में से किसी भी एक कंपोनेंट का प्रेशर जो है यानी कि पार्शियल प्रेशर वो कितना होगा वो क्या होगा ये राउट्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि टोटल प्रेशर में से किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा और इसने अपना रिजल्ट दिया और इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं राउट्स लॉ. तो आपने को ये रिजल्ट याद रखना है. इसने क्या फाइंड आउट किया कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है. सो इसने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ is equal to product of pressure of
प्योर कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट of that component present in solution this is the Raoults law. अगर आपको Raoults law को define करना आ जाए तो आप Raoults law की यही definition दोगे. The partial pressure of any component is equal to the product of pressure of pure component and mole fraction of that component present in solution. For example, हम इसका result generalize करके लिख रहे हैं. PI partial pressure of any I component is equal to the product of P not I XI. P not I क्या है? I component का pure state में जो pressure है, जब alone I ले रखा है हमने, alone कोई I liquid दे रखा है तो उस time इसका जो pressure है, और mole fraction XI क्या है? I component के जो mole fraction है, solution के अंदर जो mole fraction present है. तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्रोडक्ट होता है किस किस का, उसका प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है और उसके सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और यही है राउल्स लॉ. अब हमने क्या एग्जांपल ले रखा था, हमने दो लिक्विड को यहाँ पर मिक्स कर रखा था ए और बी. तो अब हमारे पास ए और बी दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आप कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द पी नोट ए एक्स ए. पी नोट ए क्या है? The pressure of a component in pure state. X A क्या है? Mole fraction of a component in solution phase. In the same way, partial pressure of B component is equal to the product of pressure of B component in pure state and mole fraction of B component in solution phase. So, partial pressure हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे. अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्रोडक्ट होता है उस कंपोनेंट के प्योर प्रेशर और उसके पी नोट ए एक्स ए, एंड पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? पी नोट बी एक्स बी. अब हमने दो लिक्विड को मिक्स कर रखा है ए और बी को, तो हमारे पास ये जो टोटल प्रेशर आएगा सोल्यूशन का, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट को मिक्स कर रखा है ए और बी को, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम पी टोटल कहेंगे. पी टोटल, और जो हमारे पास जो डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, पी टोटल जो टोटल प्रेशर होता है वो सभी कंपोनेंट के, सभी वोलेटाइल कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है. जो टोटल प्रेशर होता है वो सभी कंपोनेंट्स, हो सकता है दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो, हमने दो से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट भी यहाँ पर मिक्स कर रखे हो, तो पी टोटल जो होगा वो सभी कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा. सो पी टोटल, पी टोटल मीन वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या इसी को आप क्या कह सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टोटल. ये किसके इक्वल आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बिकॉज वी हैव टेकन ओनली टू कंपोनेंट ए एंड बी. सो पी टोटल यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी. और पी ए अभी हमने लिखा था, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी हम लिख सकते हैं पी नोट बी एक्स बी. अब हमें ये पता है कि दो ही कंपोनेंट है, तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? वन. एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन. सो वी कैन ऑल्सो राइट पी टोटल, पी टोटल पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी की जगह मैं वन माइनस एक्स ए पुट कर सकती हूँ. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी टोटल पी नोट ए एक्स ए प्लस
पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए, इन दोनों टर्म के अंदर एक्स ए हमारे पास कॉमन है तो हमने यहाँ से कॉमन लिया एक्स ए को, तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को पी नोट बी प्लस एक्स ए को कॉमन ले लिया पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक, ऐसी ही इक्वेशन आपके पास कब आ जाएगी, जब आप एक्स ए की जगह क्या पुट कर दोगे, वन माइनस एक्स बी पुट कर दोगे। अगर यहाँ पर हम एक्स ए की जगह पुट कर सकते हैं वन माइनस एक्स बी, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी इसी तरह की, वहाँ पर आएगा पी टोटल पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पी नोट ए है, पी नोट बी और पी नोट ए, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, ये सब तो कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो जितने वोलेटाइल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होंगे उतना ही सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आएगा। नाउ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि हम डाल्टन्स लॉ स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो डाल्टन्स लॉ है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, तो इस ग्राफ को हम नेम देंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपको पूछ ले जाए कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर हम लेंगे वेपर प्रेशर और यहाँ पर हम लेंगे मोल फ्रैक्शन दोनों ही कंपोनेंट के। फर्स्ट वी टेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर एक्स ए के मोल फ्रैक्शन है जीरो, और ये इधर बढ़ के हो गए, ये इस पॉइंट के ऊपर हो गए वन। यहाँ पर एक्स ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो जीरो है, और इस पॉइंट के ऊपर ए के मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गए हमारे पास वन हो गए। अब यहाँ पर आपके पास अभी आपने एक पार्स इक्वेशन निकाली थी, राउल्ट्स लॉ का रिजल्ट निकाला था पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज। इन दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट द एक्स ए इज जीरो, एक्स ए अगर जीरो पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास पी ए भी क्या आ जाएगा, पी ए इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, और इस पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास एक्स ए क्या पुट कर दोगे तुम वन, तो एक्स ए वन पुट कर दोगे तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी नोट ए। तो हम एक लाइन प्लॉट करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास इस तरह का एक कर्व आएगा, एक लाइन आएगी, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू है पी नोट ए एक्स ए। इस यहाँ पर जो है वो पी ए वो जीरो है, जीरो क्यों है क्योंकि एक्स ए जीरो है, और यहाँ पर क्या है एक्स ए वन है, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नोट ए, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जहां पर अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा वन, तो जहां पर एक्स ए जीरो होगा वहां पर एक्स बी क्या होगा वन, और जहां पर एक्स ए वन होगा वहां पर एक्स बी क्या होगा जीरो, अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स बी जो है वो हमारे पास वन है, और यहां पर एक्स बी जीरो है तो पी बी भी क्या होगा जीरो, और यहाँ पर एक्स बी वन है तो पी बी किसके इक्वल हो जाएगा पी नोट बी। तो हमारे पास एक और लाइन आएगी यहाँ पर अब यहाँ पर ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स बी अभी हम यहाँ पर जो हमारे पास पी बी है वो है पी नोट बी एक्स बी, वेयर एक्स बी इज वन सो पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा ये सिर्फ किसका होगा बी कंपोनेंट का, इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ हमारे पास प्योर ए कंपोनेंट है, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा ये क्या होगा प्योर ए कंपोनेंट का, और ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है पी बी, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमारे पास एक और लाइन आएगी, और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी पी टोटल, पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी
एक्सेप्ट बी. और आइडियल सॉल्यूशन के लिए, सो दिस इज द कर्व बिटवीन ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन फॉर आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन के अगर आपको मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिए तो आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे और आप हमेशा ये फाइंड आउट करोगे कि जो पी टोटल है, अब यहाँ पर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, किसका प्रेशर, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो कंपोनेंट क्या होगा, मोर वोलेटाइल. तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर मैंने मेरे इस कर्व में क्या किया है, पी ए जो है वो ज्यादा ऊपर की साइड है पी नॉट बी के कंपेयर में, यानी कि ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी कंपोनेंट. तो इसका मतलब जो हमारे पास बी है वो मोर, ए कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल देन बी कंपोनेंट, यानी कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी. ये आया हुआ है इस पॉइंट से हमें दिखाई दे रहा है. अब वैसे रिवर्स भी कर सकते थे बट मैंने इसके अकॉर्डिंग लिया है. तो जो आइडियल सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आएगा ना वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के प्रेशर से तो आएगा कम और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के प्रेशर से आएगा ज्यादा. तो ये हमेशा पी नॉट ए से आएगा कम और पी नॉट बी से आएगा ज्यादा, ये हमेशा आएगा. आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के प्रेशर से आएगा कम और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट के प्रेशर से आएगा ज्यादा. तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ. अब आपकी बुक में राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे. सारे राउल्ट्स लॉ के जो न्यूमेरिकल हैं वो सिर्फ इसी इक्वेशन से सोल्व होंगे. हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला है वो पी नॉट आई इनटू एक्स आई से. तो आप अभी राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ को ही थोड़ा आगे स्टडी करेंगे.